माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताऊंगी जिसमें मैं कवर करूंगी नंबर वन न्यू, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है। सेकंड ओपन प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे आपको कैसे काम करना है। थर्ड आपका सेव, आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। आज मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एमएस ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, हमारे पास यहाँ पर है तो मैं यही इस पर डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं एमएस वर्ड का यूज़ डॉक्यूमेंट लेटर्स और पैम्पलेट्स बनाने के लिए किया जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट वन के नाम से आ रहा है क्योंकि अभी ये सेव नहीं हुआ है। इसी के साथ आपके राइट साइड पे तीन आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, एक है मिनिमाइज, जैसे आप मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं वैसे आपकी स्क्रीन शॉर्ट हो जाती है। मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन, आपकी श्रिंक हो जाती है, बंद नहीं होता है, श्रिंक रहता है। उसके बाद है क्लोज, जैसे आप क्लोज करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। इसके साथ ही आपके लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा बटन दिखाई दे रहा है, वो है आपका ऑफिस बटन। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में एक बटन देख रहे हैं, इसको ऑफिस बटन कहा जाता है। इसके साथ ही आपके शॉर्टकट आइकन्स बने होते हैं, जैसे कि आपका सेव, आपका रीडू, अंडू, और यहाँ से आप आइकन्स को आप सेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें कोई आपको ऐड करना है शॉर्टकट आइकन, उनको भी आप ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने इसी तरीके से बॉटम में आपके ये आपका स्टार्ट बटन होता है जिससे आप अपने प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ आपके क्विक असेस टूल्स होते हैं, ये आपकी टास्क बार होती है जो कि आपको बताती है आपने कितने पेजेस पे काम किया है, कितने वर्ड्स लिखे हैं आपने, ये सब चीज़ें आपको टास्क बार शो करती है। इसी के साथ आपके राइट साइड पे आपका जूम का बटन होता है और डेट एंड टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कुछ लिख रही हूँ, ये मैंने कुछ टाइप कर लिया है। आपके रिबन्स होते हैं अलग अलग तरीके के, हर एक रिबन का एक अलग यूज रहता है और इनके शॉर्ट शॉर्ट से ग्रुप्स बने रहते हैं। जैसे कि आपका न्यू, यानी कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को अपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस एन। जैसे आप इसको प्रेस करते हो या न्यू पर क्लिक करते हो तो आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ सकता है, उससे आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ओपन करना है किसी प्रीवियस डॉक्यूमेंट को, यानी कि आप नए डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो बट आपको कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप ओपन पे क्लिक करोगे। ओपन से आप प्रॉपर्टीज चेक करोगे, आपने कहाँ सेव किया है, डेस्कटॉप पे है या आपने डाउनलोड किया है, वहाँ से आप फाइल को लेंगे और यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं आप। इस तरीके से आपका ओपन आपका वर्क करता है। जैसे कि अभी मैं ये ओपन कर रही हूँ, इसके साथ ये मेरा प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इस तरीके से मैं फिर से वही डॉक्यूमेंट में पहुंच गई हूँ। आपका रहता है सेव, जैसे कि आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, अभी आपका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वन के नाम से आ रहा है क्योंकि ये सेव नहीं था। अब मैं इसको एक नाम देती हूँ और उसको नाम के साथ आपका सेव कर देती हूँ। ये आपका आप सर्वीना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। इस तरीके से आपका ये डॉक्यूमेंट सेव होकर आपका नाम आएगा जो आपका टाइटल शो करेगा किस डॉक्यूमेंट का है। उसके बाद है सेव एज, सेम यूज आपका सेव एज का भी रहता है। अगर आपको एक ही डॉक्यूमेंट को दोबारा से किसी प्रॉपर्टी चेंज करते हुए इसको सेव करना है तो आप सेव एज यूज कर सकते हो। लाइक आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपके ऑप्शंस होते हैं, उसके थ्रू आप इनको पीडीएफ में भी सेव एज कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो स्क्रीन अगर नंबर लगाने चाहता हूँ तथा फोन कर।